हेलो एवरीवन, नमस्ते गेमचन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ ट्विंकल और मैं बनाती हूँ वीडियोस ऑन फैशन, लाइफस्टाइल, हेयर केयर, स्किन केयर और मेकअप पर। तो अगर आपको इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा लेटेस्ट फुटवेयर कलेक्शन जो मैंने अभी रिसेंटली शॉप किया है मिंत्रा के एंड ऑफ सीजन सेल से। ये सारे प्रोडक्ट्स जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं उनके एक्चुअल प्राइसेस और उनके डिस्काउंटेड प्राइसेस भी आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि इसके डिस्काउंटेड प्राइसेस हमेशा चेंज होते रहते हैं। आज के इस फुटवेयर हॉल में आपको पार्टी वेयर, रेगुलर वेयर, पम्प्स, वेजीज, प्लेटफॉर्म्स और भी ढेर सारी वैरायटी देखने मिलने वाली है। और क्योंकि मुझे आपको ढेर सारे फुटवेयर दिखाने हैं, तो चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा जो फर्स्ट फुटवेयर है वो है फ्रॉम द ब्रांड ड्रेसबेरी और ये है वुमेन्स ब्लैक सॉलिड वेजीज। ये जो शूज है ये इतने क्लासी दिखते हैं क्योंकि इसका जो ऊपर का मटेरियल है ये बहुत ही अच्छे से टेक्सचर्ड मटेरियल है। और भले ही ये प्लेन ब्लैक शूज हो लेकिन इसके जो टेक्सचर्ड मटेरियल है उसमें काफी अच्छा ग्लॉस भी ऐड किया हुआ है। और साथ में आपको मिलते हैं यहाँ पे ये गोल्डन डिटेलिंग जो आपके शूज में बहुत ही अच्छा एक एलिमेंट ऐड कर देते हैं। इस शूज में अंदर के साइड में आपको मिलता है ये कुशन्ड सोल। इस शूज में आपको मिलती है ये वेजी हील्स और इसमें पीछे के साइड में आपको मिलती है हाइट ऑफ 2 इंचेस और आगे के सोल में आपको मिलती है ये हाइट ऑफ 1 इंच अप्रोक्सीमेटली। और क्योंकि ये वेजी हील्स शूज है तो ये डेली वेयर के लिए बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है और ये शूज बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। इस शूज की जो MRP है वो है 2799 रुपीज, लेकिन अभी फिलहाल ये डिस्काउंट में मैंने इसे परचेस किया है 1100 रुपीज में। हमारी जो नेक्स्ट सैंडल है वो है फ्रॉम द ब्रांड कैटवॉक और आप सभी को पता है कि कैटवॉक मेरी फेवरेट ब्रांड है। और ये है वुमेन्स रोज गोल्ड एंड ऑफ व्हाइट होलोग्राफिक प्लेटफॉर्म्स। सो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इसका जो अपर मटेरियल है वो पूरा ही होलोग्राफिक है और इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग कलर्स के रिफ्लेक्सेस दिखते हैं, जैसे कि सिल्वर, पिंक, पर्पल और थोड़ा थोड़ा ब्लू भी, काफी सारे डिफरेंट कलर्स इसमें दिखते हैं। और इसकी जो होलोग्राफिक रेंज है कैटवॉक की वो मेरी फेवरेट रेंज है। सो इस सैंडल में आपको मिलती है ये 2 इंचेस की प्लेटफॉर्म हील्स जो व्हाइट सोल में है और एंकल के पास आपको मिलते हैं ये स्ट्रैप्स फिटिंग के लिए। और यहाँ पे जो आपको हार्डवेयर दिया हुआ है वो है रोज गोल्ड कलर का। अगेन इसका जो फुट बेड है वो बहुत ही कुशनी है और क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म हील्स है तो ये आपके डेली वेयर में बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। इस प्लेटफॉर्म हील्स की एक्चुअल प्राइस है 2295 रुपीज, लेकिन अभी फिलहाल ये डिस्काउंट में मुझे मिली है अराउंड 1300 में। जो नेक्स्ट फुटवेयर है वो है फ्रॉम द ब्रांड मस्ट एंड हर्बर से और ये है ब्लू क्रॉप टेक्सचर्ड वेजेस विद बो डिटेल। सो ये शूज है पाउडर ब्लू कलर में और इसका जो कलर है वो बहुत ही प्रिटी है। मैंने एक्चुअली मेरे डेनिम्स के साथ इसे पेयर अप करने के लिए लिया है। इस शूज में ऊपर के साइड में आपको मिलता है ये सिंथेटिक लेदर का मटेरियल और इस शूज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे ही शूज में आपको मिलता है ये क्रोकोडाइल टेक्सचर। आगे के साइड में आपको मिलता है यहाँ पे एक छोटा सा बो और अगेन इसकी जो हील्स है वो वेजी स्टाइल है। और इसका जो नीचे का सोल है, वाव, इसमें आपको इतनी अच्छी ग्रिप मिलती है। इस शूज की एक बहुत ही खास बात है कि इसका जो अंदर का जो फुटबेड है वो इतना सॉफ्ट है, इतना स्पंजी है, इसमें इतना अच्छा कुशन आपको मिलता है कि इसमें पैर रखने के बाद आपको ऐसे लगेगा कि आपने किसी स्पंज पे पैर रख दिया है। और इस शूज में और एक कलर अवेलेबल था वो था येलो, लेकिन मुझे ये ब्लू कलर काफी पसंद आया। इस शूज की एक्चुअल MRP है 2899 रुपीज, लेकिन अभी फिलहाल ये डिस्काउंट में आपको मिलती है 1100 से 1200 के बीच में। हमारी
हमारी जो नेक्स्ट सैंडल है वो अगेन है कैटवॉक की होलोग्राफिक रेंज से, और ये है कैटवॉक ब्लैक एंड येलो कलर ब्लॉक पीप टो सैंडल। सो ये जो सैंडल है वो एक्सक्लूसिवली एक पार्टी वेयर सैंडल है, और ऊपर की साइड पे यहाँ पे आपको मिलता है ये पीओ मटेरियल जो अगेन पूरा ही होलोग्राफिक है। इसमें आपको बहुत सारे येलो पिंक पर्पल टोन्स दिखते हैं, साथ में पूरे ही फ्रंट में आपको मिलती है ये ब्लैक कलर की पाइपिंग। इसकी जो वेजी हील्स है वो बहुत ही अच्छे हाइट की है, ये है ऑफ 4.5 इंचेस, और यहाँ पे एंकल पे अगेन आपको मिलता है ये स्ट्रैप फिटिंग के लिए। इसका जो फ्रंट सोल है इसकी जो हाइट है वो है अराउंड 1.5 इंचेस, और जैसे मैंने आपको कहा कि पीछे की हाइट है 4.5 इंचेस, और अगेन इसका जो फुट बेड है वो आपको कुशन मिलता है। सो ये सैंडल मैंने एक्चुअली परचेज की है पार्टीज के लिए, क्योंकि इसमें आपको काफी सारे कलर्स के शिफ्ट्स दिखते हैं, तो ये आपके काफी सारे ड्रेसेस के साथ मैच हो जाएगी। नेक्स्ट फुटवेयर है वो है फ्रॉम द ब्रांड लेवी, ये है वुमेन्स ब्लैक सॉलिड ब्लॉक हील्स शूज। सो मैंने फर्स्ट टाइम इस ब्रांड की फुटवेयर ली है, मुझे लगता था कि लेवी में सिर्फ हैंडबैग्स ही मिलते हैं, और इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो देख के मैं शॉक रह गई, क्योंकि वो इतनी कॉस्टली है 3,299 रुपीज, और मैंने इसे सेल में भी अराउंड 1800 के आसपास ही लिया हुआ है। सो इस फुटवेयर में ऊपर की साइड पे आपको मिलता है ये सिंथेटिक मटेरियल जो बहुत ही इजीली क्लीनेबल है, और फ्रंट में आपको मिलती है ये गोल्डन हार्डवेयर की डिटेलिंग्स। इसका जो फुट बेड है वो अगेन बहुत ही अच्छे से कुशन किया हुआ है ताकि आप काफी घंटों तक इसे कंफर्टेबली वेयर कर सको, और इसकी जो हील्स है वो आपको मिलती है ये ब्लॉक हील्स ऑफ 3 इंचेस। इस शूज में आपको मिलती है 1 मंथ की वारंटी, और अगेन ये शूज पहनने में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। ब्रांड कैटवॉक, और ये अगेन है उनके होलोग्राफिक कलेक्शन में से। सो ये जो सैंडल है वो है एक पीप टो सैंडल, मतलब ऊपर के एरिया में आपको ये टोज का पोर्शन ओपन मिलता है, और इसमें आपको मिलता है ये क्रिस क्रॉस बेल्ट जो है पीओ मटेरियल के, और क्योंकि ये होलोग्राफिक है तो अगेन इसमें आपको काफी सारे रिफ्लेक्सेस दिखते हैं अलग अलग कलर्स के, जैसे कि सिल्वर पिंक पर्पल ब्लू, काफी सारे इसमें कलर्स दिखते हैं जैसे जैसे ये मूव होता है। इसका जो फुट बेड का मटेरियल है ये पूरा ही टेक्सचर्ड है, और अगेन यहाँ पे आपको मिलता है ये बहुत अच्छा कुशन किया हुआ। इसकी जो हील की स्टाइलिंग है वो है वेजीज, और आगे के सोल में आपको मिलता है 1 इंच की हाइट, और पीछे के सोल में आपको मिलती है 3 इंच की हाइट, और अगेन क्योंकि ये बहुत ही लो हाइटेड वेजीज है तो ये बहुत ही कंफर्टेबल होगी वेयरिंग के लिए। इस सैंडल की एक्चुअल कॉस्ट है 2099 रुपीज, लेकिन डिस्काउंट में मुझे मिली है अराउंड 1100 में। हमारी जो नेक्स्ट सैंडल है वो है फ्रॉम द ब्रांड कैटवॉक, और ये है वुमेन्स ब्रॉन्ज टोन्ड सॉलिड प्लेटफॉर्म्स। सो इस सैंडल का जो कलर है वो बहुत ही डिफरेंट है, इस ब्रॉन्जी टोन में आपको बीच बीच में मिलते हैं ये गोल्डन रिफ्लेक्सेस जो बहुत ही अच्छे से चमकते हैं। सो इसमें आगे की साइड में मिलता है आपको ये क्रिस क्रॉस बेल्ट का पैटर्न, एंकल पे आपको मिलता है ये मोटा सा इलास्टिकेटेड बैंड फिटिंग के लिए, और इस फुटवेयर का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आपको बीच में मिलता है ये गोल्डन कलर का पैच जिसमें लिखा हुआ है कैटवॉक, और इसका जो सोल है ये फुट सोल ये बहुत ही कुशनी है, और अगर आपको हील्स पहनने से प्रॉब्लम होती है तो ये सैंडल आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है, और ये आपके कोई भी आउटफिट पे बहुत ही अच्छे से मैच हो जाएगी। इस सैंडल के पीछे के साइड में आपको हील हाइट मिलती है 2.5 इंचेस की, और आगे के सोल की जो हाइट है वो है 1 इंच, और इस सैंडल का जो कलर कॉम्बिनेशन है ये बाकी सारे फुटवेयर से बहुत ही डिफरेंट है। इस सैंडल की एक्चुअल प्राइस है 1995 रुपीज। तो इन सारे फुटवेयर में मैंने ली है साइज 40, लेकिन अगर आपको आपके साइजिंग का बहुत अच्छे से आइडिया नहीं है
तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है जो आपको फॉलो करनी है। आप एक स्केल लीजिए जिसे हम कहते हैं रूलर, वो रूलर देख के आप अपने जो फुट है उसका मेजरमेंट ले लीजिए। आपके जो टो के टॉप से आपके हील के एंड तक आपके कितने सेंटीमीटर्स होते हैं बेसिकली आपको वो नापना है। लाइक मेरा जो पैर है वो है 25 सेंटीमीटर्स, तो मैं सारे ही फुटवेयर अराउंड 25 टू 26 सेंटीमीटर के बीच के लेंथ के लेती हूँ। आप जब भी ऑनलाइन फुटवेयर देखते हो तो उसमें साइड में एक साइज चार्ट होता है। साइज चार्ट ओपन करने के बाद आपको आपके पैर के लेंथ के हिसाब से शूज की साइज सिलेक्ट करनी होती है। सो आई होप ये ट्रिक आपको हेल्पफुल रहेगा ऑनलाइन परचेज करने के लिए। सो फ्रेंड्स, आपको आज का फुटवेयर कलेक्शन कैसा लगा और इन सारे फुटवेयर में से आपको सबसे ज्यादा कौन सा पसंद आया ये मुझे नीचे कमेंट सेशन में जरूर लिख के बताइए। इन सारे प्रोडक्ट्स की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसे जरूर चेकआउट कीजिए। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।